तो आज हम लोग आए जी एक नए बफे के ऊपर, वेज बफे। बहुत जबरदस्त बफे होने वाला है। 60 प्लस फूड आइटम्स यहाँ पे मिल रही है आपको बड़े रीजनेबल से प्राइस के अंदर। तो इसका नाम है जी ग्रिल्स एंड अफेयर्स। अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त एम्बियंस है, मैं ऑलरेडी एंटर करके देख चुका हूँ। यू विल लव टू सी दिस वीडियो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो न्यू आउटलेट के लिए ना। थैंक यू सो मच। ये कब से शुरू हुआ है सर? इसको स्टार्ट हुए नियर अबाउट 3 months होने वाले हैं। ये तो अभी 3 months ही हुए इसको ओपन हुए, मतलब बाकी के भी जैसे सेम आउटलेट है, जैसे चारकोल हो गया, चारकोल है, तो 4th आउटलेट है ये। ओके जी सर, तो यहाँ पे क्या स्पेशल मिलने वाला है सर? स्पेशलिटी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे राजस्थान से ट्राई करें, राजस्थानी मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत रेयर फूड है यहाँ पे, और राजस्थानी हम सर्व कर रहे हैं। अच्छा, कबाब हो गए, मुगलई आइटम्स हो गई सर हमारे पास, फिर बिरयानी भी हम सर्व कर रहे हैं। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मतलब मस्त है। तो बिरयानी हैदराबादी मिलने वाली है ना सर? हैदराबादी मतलब वो चेंज होती रहती है। आज के मेन्यू में अगर आप चेक करेंगे तो हैदराबादी। अच्छा, मेन्यू चेंज होता रहता है? हां जी, मेन्यू चेंज होता है। वेरी नाइस। टोटल कितने आइटम्स हो रहे हैं? ओवरऑल 60 प्लस आइटम्स हैं हमारे पास, जिसमें से 20 तरह के स्नैक्स हैं। उसके बाद आप जैसे ट्राई करेंगे तो लाइक हमारे पास मेन कोर्स में काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। मेन कोर्स में अगर आप ट्राई करें तो 2 तरह की दालें हो गई, 4 तरह की वेजिटेबल्स हो गई, फिर आपका राइस हो गया, देन आपके चाइनीज़ आइटम भी बीच में होती है, दाल बाटी भी बीच में है, मुगलई का भी बीच में ही है, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ग्रिल अफेयर्स पूरी वेराइटी के साथ आ रहा है? यस सर, हम पूरे जोरों शोरों से आए हैं। सर प्राइस जो है लाइक मंडे टू, वैसे एग्जैक्ट अगर प्राइस आप मेरे से पूछे तो वो 6:30 रहता है। 6:30 जी सर, 6:30 रहता है, बट जैसे मंडे टू फ्राइडे ना हमारा डिस्काउंटेड रेट्स रहते हैं। अच्छा। तो वो रहता है 5:24 पर। मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे लंच लंच में? ओके। हाँ जी सर, मंडे टू फ्राइडे लंच आपका 5:24 रहेगा। ओके। फिर सैटरडे संडे हो गया, और जो डिनर है सर 7 days इसका सर चार्जेस जो वो सेम है, 6:30 रहेगा। जो ड्रिंक्स हैं आपकी वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, वो आपकी सेपरेट है। ये इंक्लूडिंग टैक्स बता रहे हैं? हाँ जी सर, ये मैंने आपको इंक्लूडिंग टैक्सेस भी बताएंगे। टोटल 60 आइटम्स में, इसके अलावा मेन कोर्स में आ गया और स्नैक्स आ गया, तो डेजर्ट्स वगैरह भी? डेजर्ट्स भी है सर। डेजर्ट्स में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपके 3 तरह के फ्रूट्स हो गए, फिर उसके बाद आपके 6 बेकरी आइटम्स भी आ गए। उसके अलावा सर जैसे 3 तरह की आइसक्रीम है हमारी। अच्छा। और फिर आजकल जैसे हम शाही टुकड़ा भी दे रहे हैं। अच्छा। तो वो भी ट्राई कर सकते हो। शाही टुकड़ा? हाँ जी सर, शाही टुकड़ा मतलब लाइक वो भी वन ऑफ द फेमस डिजर्ट, आपने सुना होगा वो भी। अच्छा। है फिर फिरनी भी है जो बहुत रिच इन लाइक फ्लेवर्स हो गए उसके। ये स्वीडिश में आ गया? हाँ जी, ये सब स्वीडिश में। अच्छा, और टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं? टाइमिंग सर ये रहती है, जैसे मॉर्निंग हो गया आपका स्टार्ट 12:00 से स्टार्टिंग रहता है, 12 to 2 का रहता है, 12 to 2 का स्लॉट है, एंड 2 to 4 का स्लॉट है सर। और सेम ऐसे इवनिंग में सर जैसे 7 to 9 हो जाता है हमारा स्टार्ट, 7:00 से स्टार्ट हो जाता है, तो 7 to 9 हो गया और 9 to 11 हो गया सर, स्लॉट्स रहते हैं। वेरी नाइस। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और लास्ट में बता दें कि हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल मैसेज? व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि मतलब हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं लाइक बहुत सारी हैं, बहुत सारे चीज़ें आपके लिए न्यू हैं, मतलब एक साथ ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लाइक कभी भी आप विज़िट करते हो अपनी फैमिली के साथ, मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें ट्राई करें, और लाइक फ्लेवर्स हैं यहाँ के, तो एक चीज़ तो मैं फॉर श्योर ही आपको बोलूँगी कि आप दोबारा मतलब यहीं पर ही आना प्रेफर करोगे, आप कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी तरफ से श्योरिटी है आपको। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है आपका, मतलब हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है? कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सो डू विजिट वंस। चलिए जी, राइट है जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, फूड आना शुरू हो गया। आ जाओ सर, क्या लेके आए? ये चाप स्वाति है सर। चाप स्वाति? ये स्वाति वेज है। स्वाति वेज? ओके नाइस। ये क्या है? स्वाति चीज़ स्वाति? ओके नाइस। तो चलिए ये चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ओह वेरी नाइस। अरे ये प्राइस, ये भाई साहब थोड़ा सा रखो बस, ये क्रिस्पी कॉर्न, ठीक है भाई साहब ये साइड पर रख दो आप। तो ऐसे ही टेबल के ऊपर वन बाय वन जैसे आइटम ये सर्व करते रहते हैं, तो जैसे जैसे नेक्स्ट आइटम आती है वो आपको दिखाता हूँ, पहले इसको टेस्ट करता हूँ। इनके क्रिस्पी कॉर्न्स ये बड़े टेस्टी होते हैं। ओह वाओ नाइस भाई साहब, क्रिस्पी कॉर्न अगर आपको पसंद है ना, बहुत टेस्टी बनाए। और ये भी हैं जी दो सॉसेज इन्होंने,
सॉस, एक रेड सॉस और एक ग्रीन सॉस, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको भी। अच्छा एक और आइटम, ये क्या गया? सर जी मंगोलियन पनीर। मंगोलियन पनीर, अच्छा बहुत बढ़िया लग रहा है, मिक्स में मिक्स जा रहा है। अच्छा ये काफ़ी कुछ मिक्स किया हुआ है इसके अंदर, है ना? ये थोड़ा सा डाल दो मेरे को। ये आ गए जी ग्रिल की आइटम्स। अच्छा ग्रिल पाइन एप्पल, ओके। ये पहले मशरूम रखी है ना? अच्छा पनीर टिक्का, ओके। ये चाप है, ओके। तो ये चाप और ये चाप डिफरेंट है ना? जी जी सर। ओके तो ग्रिल में टोटल चार आइटम्स है ना? अच्छा ब्रोकली भी आएगी, ओके। तो ग्रिल में टोटल पांच आइटम्स आने वाली हैं जी, ये आपने देख लिया। इसके अलावा ब्रोकली आएगी। तो अभी ये देखते हैं जी चाप को टेस्ट करके जो इन्होंने मेरे को सर्व किए स्नैक्स के अंदर। हल्की हल्की खट्टी है। अरे मोमोज भी है, अच्छा। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सॉरी मैं सारे आइटम्स का हो सकता है नाम ना बता पाऊँ, काफ़ी सारे मिक्स वैरायटी है, लेकिन चीज़ अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। नाइस, जैसे हम लोग खाते हैं ना चिली चीज़, उस टाइप का टेस्ट दे रहा है। बड़ा सॉफ्ट है, हल्का हल्का सा खट्टा है और वेरी टेस्टी, फैंटास्टिक। ये आ गया जी ब्रोकली, ग्रिल में ब्रोकली। चलिए जी मोमोज को करते हैं टेस्ट। जब एक चीज़ तो है इनके कुक जो है ना, ये स्पेशल ही है। आपको हर चीज़ में ना डिफरेंट टेस्ट आने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा फ्रेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मा गर्म सारा कुछ आपको टेबल के ऊपर सर्व हो रहा है। जितना जो चाहिए आप उतना मंगवाते जाओ, एक पीस चाहिए एक पीस मंगवाते जाओ, जो नॉर्मली अनलिमिटेड बफेज में होता है। ग्रिल में मेरे को ये पाइनएप्पल टेस्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। इसको एक पीस ले रहा हूँ मैं, अभी टेस्ट करके देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या इसका टेस्ट है। आप जितना मर्जी खाओ, जो मर्जी खाओ, कोई लिमिट नहीं है। मैं हर चीज़ एक एक ले रहा हूँ ताकि हर चीज़ को टेस्ट कर पाऊँ, और आई एम श्योर कि आप भी ऐसे करना चाहोगे। बाकी आप अपनी फेवरेट आइटम खाओ, जितनी मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चिली चीज़ करते हैं जी, बड़ा सॉफ्ट लग रहा है मेरे को। मज़ा आ गया जी, पिज़्ज़ा गर्मा गर्म और चीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि ग्रिल के ऊपर है। मैंने सारा ही एकदम से मुंह के अंदर डाल दिया, बट रियली आई एम एंजॉइंग फूड हियर। चलिए जी पिज़्ज़े को भी कर लेते हैं टेस्ट। नाइस, हरा भरा कबाब, नाइस, थैंक यू सो मच। लो जी हरा भरा भी देख लो, अंदर से पूरा हरा भरा है, कुछ इस टाइप का है, क्रिस्पी है बाहर से। करते हैं टेस्ट इसको। जो स्नैक्स के शौकीन है ना उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चपली कबाब जी सर। अच्छा चीज़ ग्लोटिया। अच्छा ये कहाँ की आइटम्स है वैसे? ये राजस्थान की फेमस आइटम्स है ना, राजस्थान का टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू सो मच। चलिए इसको करते हैं फाइनली टेस्ट। राजस्थान का टेस्ट यहाँ पे मैंने पहली बार टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। मुझे नाम बताया था उन्होंने, वो मेरे को भूल गया, आप रिवाइंड करके सुन लेना अगर आपको नहीं पता तो, बट इट इज़ फैंटास्टिक। वो जो मैंने खाया बहुत ज़्यादा टेस्टी था। चलिए अब इसको करते हैं टेस्ट। ओह पता नहीं किस चीज़ की बनी है, बड़ा सॉफ्ट है। अगर मैं पंजाबी स्टाइल में कहूँ ऐसा लग रहा है जैसे बेसन बेसन के साथ बनी होती है ना, बट फैंटास्टिक गुड है। तो इसके बाद मैं करने वाला हूँ जो मेन कोर्स को टेस्ट, और जो जो बेकर्स आइटम्स वगैरह आइसक्रीम वगैरह जो जो भी होएगा सब कुछ टेस्ट करेंगे, पूरा मज़ा लेंगे। पैसे दिए हैं तो पूरा मज़ा लेंगे आज का, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद आपको। तो चलिए जी प्लेट लेके मैं आ गया हूँ अपने टेबल के ऊपर। एक चीज़ ना आपको एडवाइस करना चाहूँगा, एडवाइस समझ लो, सजेशन समझ लो, स्नैक्स में बहुत बड़े आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। स्नैक्स देख के ना बंदा ऑब्वियसली खाता जाता है, खाता जाता है। मेन कोर्स में भी बहुत ज़बरदस्त आइटम्स हैं, सारी मैंने आपको दिखाई हैं। एक और आगे देख लो ये हलवा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई स्नैक्स को बड़ा लिमिटेड से खाना, अगर तो स्नैक्स के शौकीन हो खाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी वैरायटी अगर टेस्ट करनी है ना तो हर चीज़ बड़ी थोड़ी थोड़ी लेना, लिमिट में लेना। मैंने इतना सारा फूड डाल लिया है, सोच रहा हूँ खाऊँगा कैसे। चलिए करते हैं टेस्ट इन शॉर्ट, आपको बताता हूँ। खिचड़ी पहले टेस्ट करता हूँ इनकी। ये यहाँ पे पंजाब में मेरे मिलने वाली खिचड़ी नहीं है, ये अलग ही है। टेस्टी है। और ये डालते हैं इनकी पंजीरी, बादाम वगैरह डले हुए हैं, ऑब्वियसली मीठी है।
ये मेरे को शायद बाद में खानी चाहिए थी। ये आ गए जी इनके राजमा, मिक्स कर लिए मैंने चावल साथ में। फूड टेस्टी है, बड़े नॉर्मल से स्पाइसेस हैं, वैसे परफेक्ट टेस्ट, नाइस। चीज़ की दोनों आइटम टेस्टी हैं, राजमा सॉल्ट के अंदर मैं यही कहूँगा, फूड के स्पाइसेस बड़े नॉर्मल से जैसे मैंने आपको बताया, टेस्टी हैं, परफेक्ट हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को खाने में। करते हैं इनका हलवा टेस्ट, वैसे मैं बाद में खाऊंगा, सिर्फ आपको टेस्ट बता दूं कैसा है। मूंग दाल का हलवा परफेक्ट बना हुआ, हाँ मेरी फेवरेट है। गुलाब जामुन हलवा भी फेवरेट है, वैसे ये ज़्यादा फेवरेट है। वाह नज़ारा, ओह ये आ गए जी फाइनल टच। एक पेस्ट्री को टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर मैं करता हूँ फूड को एंजॉय और वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। ओह ज़रूर आओ यहाँ पे, मुझे बहुत बढ़िया लगा, आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा। खाना बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया, स्टाफ भी बहुत बढ़िया यहाँ का, आई रियली एंजॉयड, एंड आई होप कि आप भी यहाँ पे आओगे तो ज़रूर इंजॉय करोगे। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में, नए फूड के साथ, नए प्लेस पे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।